तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे आपकी यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2020 के लिए, जो दृष्टि आईएएस की तरफ से 5 मॉडल पेपर डाले गए हैं अपनी साइट पर, वहां जाकर आप लोग डाउनलोड कर लें और अच्छी तरह से इन्हें देख लें, ठीक है? क्योंकि मैंने देखा है कि इनमें वही क्वेश्चन लिए गए हैं आपके जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, तो एक तरह से आपको मालूम चल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं, ठीक है? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि माइनस मार्किंग है इसमें, ठीक है? 150 क्वेश्चन रहेंगे आपके, 200 नंबर का रहेगा, 2 घंटे आपको टाइम मिलेगा, और मेन आप जानते हैं कि पहला ही पेपर जो सामान्य अध्ययन जीएस का होता है वही महत्वपूर्ण है, सेकेंड पेपर तो लगभग लगभग हर कोई क्वालिफाई कर लेता है, ठीक है? तो इस तरह के हम लोग 4 मॉडल पेपर आपके देख चुके हैं, 5वां मॉडल पेपर है। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्रिप्स मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि कहने का मतलब कि हमें सही कथन चुनना है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने मार्च 1942 में स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन की घोषणा की थी। बिल्कुल सही है, क्रिप्स मिशन के प्रावधान के अनुसार डोमिनियन राज्य के दर्जे के साथ एक भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। ए भी आपका सही है, यानी कि इसमें आपके दोनों सही है ऑप्शन, तो क्या लगाएंगे आप लोग? सी ऑप्शन लगाएंगे, दोनों कथन आपकी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, नीलगिरी पर्वत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, क्या पूछ रहा है? सही कथन पूछ रहा है। इस पॉइंट को बड़े ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है कि सही पूछ रहा है या सही नहीं पूछ रहा है। तो नीलगिरी पर्वत के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, माफ करिए सही है, क्या सही है? तो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल उडगमंडलम या फिर ऊटी नीलगिरी में ही अवस्थित है। तो आप देखेंगे दोनों कथन आपके कैसे हैं, बिल्कुल सही है, तो क्या लगाओगे आप लोग? सी ऑप्शन। पर आपकी लोकटक झील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कि लोकटक झील के बारे में आपको नीचे जो 2 पॉइंट दिए गए कथन, इन्हें सही बताना है कि सही है या गलत है। तो इसमें आप क्या लगाएंगे? लोकटल झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, बिल्कुल सही है। मणिपुर स्थित लोकटल झील विश्व का एकमात्र तैरता हुआ केबुल लामजाओ नेशनल पार्क अवस्थित है, ये भी सही है, यानी कि आप डी ऑप्शन लगाएंगे, 1 और 2 दोनों सही है। हाल ही में आपने देखा है कि डीएनए प्रौद्योगिकी प्रयोग एवं अनुपयोग बिल 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कि कहने का मतलब है कि सही कथन आपको इसमें चुनना है। तो विधेयक में एक राष्ट्रीय डीएनए डेटा बैंक और राज्यों के लिए क्षेत्रीय डीएनए डेटा बैंक की स्थापना का प्रावधान है, इसमें बिल्कुल सही है। इसमें एक डीएनए नियामक बोर्ड की स्थापना का भी प्रावधान है जो डीएनए डेटा बैंकों और डीएनए प्रयोगशालाओं की निगरानी करेगा, ये भी सही है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होंगे, ये भी सही है, यानी कि आप डी ऑप्शन सही लगाएंगे, क्या लगाएंगे? डी ऑप्शन सही लगाएंगे, ठीक है। और एक बात हमेशा आप लोगों को याद रखना चाहिए, बिल या विधेयक तब तक रहता है जब तक लोकसभा और राज्यसभा में रहे, जैसे ही राष्ट्रपति की इस पर सहमति मिलती है वो अधिनियम में बदल जाता है, ठीक है। और इस तरह का भी क्वेश्चन कई बार बन चुका है और कई बार आप देखते भी रहते हैं, टेस्ट लगाते होंगे तब भी आपको दिखाई देगा कि पूछ लेता है कि सभी बिल अधिनियम हो सकते हैं, सभी अधिनियम बिल हो सकते हैं। तो आप जानते हैं कि सभी अधिनियम मतलब सभी बिल आपके अधिनियम नहीं बनते, इसलिए आप देखते हैं बिलों की संख्या अधिक होती है और अधिनियम की कम होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर विधेयक आए और अधिनियम बन जाए, लेकिन जो अधिनियम होगा वो जरूर बिल रहा होगा, ठीक है। आगे है आपका क्वेश्चन 5वां, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है, यानी कि सही सुमिलित नहीं है, सैन्य अभ्यास हो गए और संबंधित देश जिन देशों के बीच हुआ है। तो इंद आपको मालूम होगा कि भारत रूस के बीच हुआ है, अजय बोरियन ये भारत यूनाइटेड यूनाइटेड किंगडम के बीच हुआ है, सिम्बेक्स भारत सिंगापुर के बीच हुआ है, जेमेक्स ये भारत थाईलैंड के बीच नहीं हुआ है। तो 5 में क्या है आपका? डी, ठीक है, याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा है, तो आपको मालूम होगा बेंगुएला जलधारा आपकी ठंडी है, 6वें में भी आपका डी। सूची 1 सूची 2 को आपको सम्मिलित करना है। इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी, पूना सार्वजनिक सभा एमजी रनाडे, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले, तो ये सभी आपके सम्मिलित हैं।
बिल्कुल सही जोड़ी लगाई हुई दे दी गई है आपको, ठीक है। इस तरह के भी आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो साथ में आपका सी, माफ करिए, साथ में ए, साथ में क्या है, ए, ठीक है। पर आप देखेंगे राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के बारे में आपको निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चुनना है। तो इसमें डॉक्टर सी रंगराजन समिति की अनुशंसा पर 1 जून 2005 को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का गठन किया गया। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की संरचना में विधेयक के द्वारा बदलाव करते हुए पदेन सदस्य के तौर पर नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के स्थान पर वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार को नियुक्त किया जाने का प्रस्ताव प्रावधान किया गया है। तो इसमें आपका एक और दो दोनों सही है। क्या है, दोनों सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। डोपिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। डोपिंग का अर्थ होता है कि प्रशिक्षण और खेल परिणामों को बेहतर बनाने के लिए निषिद्ध यानी कि जो पाबंदी लगी हो दवाओं का या विधियों का उपयोग करना। रक्त डोपिंग लाल रक्त कोशिकाओं के कोशिका द्रव्यमान को बढ़ाने के लिए कुछ तकनीकों या पदार्थों का दुरुपयोग है जो शरीर की मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन देता है तथा शक्ति और प्रदर्शन को बढ़ावा देता है। जीन या कोशिका डोपिंग को जीन अनुवांशिक तत्वों या कोशिकाओं के गैर चिकित्सीय उपयोग के रूप में परिभाषित किया गया है जो एथलेटिक प्रदर्शन को बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। जीन डोपिंग जीन थेरेपी का ही एक हिस्सा है। तो इसमें आपका क्या लगाएंगे, तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है। तीनों ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। नौ का आपका डी होगा, क्या होगा, डी होगा नौ में, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, बेतार संचार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बारकोड एक आयामी कोड है या सीमित आंकड़े व्यक्त कर सकता है। QR कोड द्वि आयामी कोड है या दो सहिष्णुता और डेटा वॉल्यूम के मामले में बारकोड से बेहतर है। इसमें आपको सही कथन चुनना है, क्या आपको चुनना है, सही कथन चुनना है। तो इसमें केवल आपका दूसरा कथन सही है, एक गलत है। नीचे दिए गए दो कथन आपके दिए गए हैं जिसमें अभिकथन ए है और कारण आर। तो अभिकथन क्या कह रहा है, जब देश के भुगतान उसके व्यापार में वस्तुएं सेवाओं और स्थानांतरण एवं विशुद्ध आय की प्राप्तियों से अधिक हो जाते हैं तो उसे चालू खाता घाटा कहा जाता है। कारण आर क्या कह रहा है, चालू खाता घाटा तब होता है जब एक देश वस्तुओं और सेवाओं और पूंजी का अधिक निर्यात करता है। तो इसमें आपका ए कथन तो बिल्कुल सही है लेकिन आर बिल्कुल गलत है, ठीक है। अभी कथन ए बिल्कुल सही है लेकिन आर आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारतीय उपग्रह प्रमोचन यानी यानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। PSLV XL 4 चरणों का प्रमोचन यान है जिसके प्रथम चरण में 4 अतिरिक्त बूस्टर लगाए गए हैं। PSLV ने भारत को ध्रुवीय कक्षा में उपग्रह प्रमोचन के लिए आत्मनिर्भर बनाया है। GSLV MK3 3 चरणों का प्रमोचन यान है, वर्तमान में भारत का सर्वाधिक उन्नत प्रमोचन है। कौन सा, GSLV MK3। और इसमें से कूट का उपयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है, किसमें, इसमें। तो आप देखेंगे इसमें आपका PSLV ने भारत को ध्रुवीय कक्षा में उपग्रह प्रमोचन के लिए आत्मनिर्भर बनाया है, ये सही है। और एक दो कथन आपका सही है, GSLV MK3 3 चरणों का प्रमोचन यान है और वर्तमान में भारत का सर्वाधिक उन्नत प्रमोचन भी है। तो दो और तीन आपके बिल्कुल सही है, एक गलत है। तो इसमें क्या लगाएंगे आप लोग, बी ऑप्शन, दो और तीन बिल्कुल सही है। आपने देखा होगा कि हाल ही में केंद्र सरकार ने बेंगलोर में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की उत्कृष्टता हेतु को उत्कृष्टता केंद्र को स्थापित किया है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि सही कथन आपको चुनना है। 13 में आपको सही कथन चुनना है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना सीडेक सेंटर फॉर डेवलपमेंट फॉर एडवांस कंप्यूटर द्वारा की गई है। इस पहल का उद्देश्य ब्लॉकचेन नेटवर्क की कुशल होस्टिंग के लिए ब्लॉकचेन को सेवा के रूप में प्रदान करना और सभी हितधारकों को सीखने अनुभवों और संसाधनों में से लाभ उठाने का मार्ग प्रशस्त करना। सरकार में ब्लॉकचेन के प्रयोग से ई शासन प्रणाली में पारदर्शिता और विश्वास बढ़ने की उम्मीद है। तो इसमें कौन कौन सही है आपके, दूसरा कथन सही है और तीसरा यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, एक आपका गलत है और दो तीन बिल्कुल सही है क्योंकि सत्य कथन पूछा है आपसे।
पर आपने देखा होगा कि इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? तो ये आपको मालूम होना चाहिए, विलियम विल्सन हंटर, यानी कि 14 में आपका सी ऑप्शन है इसमें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का विकास स्तंभ कहते हैं? निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का विकास स्तंभ कहते हैं? तो आपको मालूम होगा कि स्टम्बोली को, ठीक है, स्टम्बोली को। फिर अगला है आपका 5G तकनीक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? आपने ये देखा होगा एक समय आप 2G चलाते थे, फिर 3G आया, फिर 4G आया, अब अपने देश में कुछ समय के बाद 5G भी आने वाला है। तो यह सेलुलर तकनीक की अगली पीढ़ी है जो अल्ट्रा लो लेटेंसी के साथ तेज और अधिक विश्वसनीय संचार माध्यम प्रदान करेगी। 5G उच्च तरंग दैर्ध्य का उपयोग करता है, इसलिए सटीक दिशात्मक नियंत्रण प्राप्त करने के लिए बड़े आकार के एंटीना की आवश्यकता होती है। देखिए माफ करिए, इसमें आपका केवल एक सही है, दूसरा आपका गलत है। क्या है? दूसरा आपका गलत है, लेकिन इसमें एक सही है, मतलब एक कथन सही है, एक, केवल एक, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, यानी कि गलत पूछ रहा है कि गलत कौन सा है इसमें से? एक घाटी हो गई और एक देश हो गए। क्या होगी? घाटी और देश। डेथ वैली एक गलत है आपका, कनाडा में नहीं है, ठीक है। पंज सीर घाटी अफगानिस्तान में है, सिलिकन वैली यूएसए में है, राजाओं की घाटी मिस को कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आप ए ऑप्शन लगाएंगे क्योंकि सही सम्मिलित नहीं है ये, ठीक है। आगे है मुझे मुझे मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? ये आपको मालूम होगा कि ये है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूएसए में, ठीक है। कहाँ है? यूएसए में। आगे है आपका आटाकामा मरुस्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि सही कथन आपको चुनना है इसमें। आटाकामा मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है, दक्षिण अमेरिका में चिली में अवस्थित है। बिल्कुल सही है, आटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट व एवं तांबा के प्रचुर भंडार उपलब्ध है। ये भी आपका सही है, यानी कि एक दो आपके दोनों सही है, यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे है कलपक्कम में मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन के द्वारा प्रोटोटाइप टाइप फास्ट बीडर रिएक्टर PFBR बनाया जा रहा है, इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि आपको सही कथन चुनना है। क्या चुनना है? सही कथन चुनना है। बीडर रिएक्टर एक परमाणु रिएक्टर है जो खपत की तुलना में अधिक परमाणु ईंधन उत्पन्न करता है। PFBR का निर्माण वर्तमान में परमाणु ऊर्जा विभाग की प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। PFBR ने से वाणिज्यिक बिजली उत्पादन के पश्चात भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के बाद भारत में बिजली पैदा करने के लिए परमाणु ईंधन स्रोतों का उपयोग करने वाली दूसरी निकाय होगी। तो इसमें आप देखेंगे तीनों कथन आपके बिल्कुल सही है। क्या है? तीनों कथन आपके बिल्कुल सही है, तो इसमें आप डी ऑप्शन लगाएंगे, एक दो तीन तीनों सही है आपके, ठीक है। चलते आगे, विषाणु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विषाणु की खोज डी आईवे आईवे नोवस्की ने रोग ग्रस्त तमाकू के पौधे में की थी, इसका नाम टोबैको मोज़ेक वायरस वायरस रखा गया। हाल ही में पूरे विश्व में तबाही मचाने वाला COVID-19 एक विषाणु जनित बीमारी है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। तो इसमें आप देखेंगे दोनों कथन आपके बिल्कुल सही है। क्या है? बिल्कुल सही है दोनों। अब आपके नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें अभी कथन ए शामिल है, दूसरा कारण आर है। अभी कथन ए को देखते हैं, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों तथा राज्यों में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है। और कारण क्या कह रहा है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर आपको चुनना है। क्या करना है? सही उत्तर चुनना है। तो इसमें आप देखेंगे ए सही है, लेकिन किंतु आर बिल्कुल गलत है, ठीक है। अभी कथन सही है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों तथा राज्य में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है, ठीक है। ए सही है आपका, तो इसमें आप सी लगाएंगे। आगे है आपका भारत में जीएम फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? आप सोचिए कितने आगे निकल रहे हैं हम लोग, समझ रहे हैं? जीएम फसलों की बात हो रही है।
तो इसके बारे में आपको सत्य कथन चुनना है। एक समय आप देखिए ऐसा आएगा कि आप देखते हैं बुंदेलखंड में पानी की कमी रहती है, और कई जगह आप देखते हैं बिना पानी के भी फसल उगने का, ऐसा भी कोई फसल होगी जो बिना पानी के भी आप सोचिए कि उगने लगेगी, समझ रहे हैं, इस तरह की आप सोचिए कि बनाने की बात होगी। देखिए आने वाले समय में क्या क्या होता है। तो जीएम फसलों के बारे में आपको निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चुनना है। भारत में पर्यावरण और वन मंत्रालय के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत भारत में शीर्ष बायोटेक नियामक जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति है। जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति ने बीटी बैगन की वाणिज्यिक कृषि की सिफारिश की थी, लेकिन इस पर 2010 में रोक लगा दी गई। धारा सरसों हाइब्रिड 11 DMH 11 अनुवांशिक रूप से संशोधित फर्डनाशी पितिरोधी सरसों का प्रकार है। अगर इसे केंद्र द्वारा अनुमोदित किया जाता है तो यह देश में खेती के लिए अनुमति दी जाने वाली पहली ट्रांसजेनिक खाद्य फसल होगी। तो इसमें आप देखेंगे 1, 2, 3 आपके तीनों कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, आप समझिए, मुझे लगता है कि इस तरह का भी कभी कभी सोचता हूँ कि इस तरह की भी तकनीक आएगी कि एक व्यक्ति को भी आप देखेंगे सभी गुणों से परिपूर्ण, मतलब वो रहेगा। आप समझिए कि आप लोगों में से कई लोग कह देंगे मेरा बच्चा इस तरह से होना चाहिए, उसमें पढ़ाई में दिमाग तेज होने चाहिए, इतनी ऊंचाई होनी चाहिए, एक तरह से मानव पूरा ढांचे में बना के बात होनी चाहिए, बाल उसके ऐसे होने चाहिए। इस तरह की तकनीक हो सकती है समय में आ जाए। आपने भेड़ के बारे में देखा होगा, क्लोनिंग की विधि आपने सुनी होगी। तो देखिए अब क्या होता है आगे आगे। लाइकिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। लाइकिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें आप देखेंगे लाइकिन की खोज तुलासने ने की थी। लाइकिन का निर्माण शैवाल और कवक से मिलकर बनता है। दोनों कथन सही है। 24 में क्या लगाएंगे आप लोग, सी। ठीक है, 1, 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा देश ओशिनिया समूह के देशों में सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा देश ओशिनिया समूह के देशों में सम्मिलित नहीं है। तो इसमें आप देखेंगे इंडोनेशिया नहीं है, पलाऊ है, माइक्रोनेशिया है, फिजी है, लेकिन इंडोनेशिया नहीं है। तो इसमें पूछ रहा है सम्मिलित नहीं है, तो ए लगाएंगे आप लोग। क्या लगाएंगे, ए ऑप्शन। नवाबगंज पक्षी विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है। तो ये आपको देखने को मिलेगा उन्नाव में। कहां, उन्नाव में। ठीक है, यूपी का है। स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में निम्नलिखित में से कौन सा एक देश सम्मिलित नहीं है। और आप देखते हैं कि स्कैंडिनेवियाई जो देश हैं, यही आप देखते हैं कई सूचकांक आते हैं उनमें टॉप रहते हैं। यहां स्थिति आप देखिए कि बेहतर है हमारी सबसे, समझ रहे हैं। तो इसमें क्या लगाएंगे, फिनलैंड आपका शामिल नहीं है, डेनमार्क है, नॉर्वे है और स्वीडन भी आपका शामिल है, लेकिन फिनलैंड इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, इसमें आप ए ऑप्शन है। फिर आगे आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक देश उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का भाग होते हुए भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है। तो ये तो आपको मालूम होगा, ग्रीनलैंड। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बी कैसा है, बिल्कुल सही है। आपको बताना है विद्युत चुंबकीय तरंगों में और इनके अनुप्रयोगों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि सही कथन चुनना है आपको। COVID-19 मामलों का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहे थर्मल स्कैनर परावैगनी विकिरणों पर आधारित है, गलत है। सूक्ष्म तरंगों का उपयोग उपग्रह संचार और अंतरिक्ष संचार के लिए किया जाता है, क्योंकि यह आयनमंडल को भेद सकता है। तो केवल आपका दूसरा कथन सही है। तो क्या लगाएंगे, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान गैंडा संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान गैंडा संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें आप देखेंगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, एक गैंडा संरक्षण के लिए काफी प्रसिद्ध है। आगे है वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि आपको सही कथन चुनना है। इसमें क्या चुनना है, सही कथन चुनना है आपको। सरफेस वेब सामान्य वेब है जो इंटरनेट का उपयोग करने वाले सभी उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध होता है। इसके आंकड़ों को सर्च इंजन द्वारा अनुक्रमित किया जाता है। डीप वेब के आंकड़ों को सर्च द्वारा अनुक्रमित नहीं किया जाता है। इसे केवल अधिकृत व्यक्ति द्वारा URL, यूजरनेम और पासवर्ड आदि की मदद से प्राप्त किया जा सकता है। डार्क वेब आंकड़ों की एक अत्यधिक
इंक्रिप्टेड परत है जिसे केवल ओवरले नेटवर्क के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें आपके तीनों कथन आपके बिल्कुल सही है। क्या होगा इसमें? आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सूची एक सूची दो को सम्मिलित करना है। चलते हैं आगे हम लोग, सूची एक सूची दो को सम्मिलित करते हैं। ये सूची एक है, सूची दो है। क्या है? सूची एक सूची दो है आपका। इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि ये कब हुई? 1765 में। इलाहाबाद की संधि 1765, सालवाई की संधि 1782, एक्सल एक्सलास चेपल की संधि ये 1748 की बात है, मद्रास की संधि 1769 की बात है। ठीक है, इसमें आप ए ऑप्शन लगाएंगे। इलाहाबाद की संधि 1765, सालवाई की संधि 1782, एक्सल एक्सलाप चेपल की संधि ए आप देखेंगे 1748, मद्रास की संधि 1769। ठीक है, फिर आपने सुना होगा पृथ्वी एक मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पृथ्वी एक मिसाइल, सुनते रहते हैं। इसका निर्माण डीआरडीओ द्वारा किया जा गया है। यह सतह के से सतह पर मार करने वाली एसआरवी एम मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 1000 किलोग्राम विस्फोटक के साथ 150 किलोमीटर है। ये भी आपका सही है, यानी कि तीनों कथन आपके बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन लगाएंगे आप लोग, पृथ्वी के बारे में तीनों कथन आपके बिल्कुल सही है। फिर आपका निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु जनित है? यानी कि कहने का मतलब विषाणु जनित, विषाणु से होने वाली बीमारी कौन सी है इनमें से? तो आपको याद रखना होगा पोलियो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लड़ाकू विमान तेजस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लड़ाकू विमान तेजस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है आपका? तेजस एक स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है जिसे हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया। बिल्कुल सही है, तेजस का निर्माण भारत और जापान की संयुक्त सहयोग से किया गया है। ये गलत है आपका, तो केवल एक लगाएंगे। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, एक कथन आपका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? ये सहायक नदी हो गई, मुख्य नदी चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है, आप सभी जानते हैं। सोन नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। सेयुक्त नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है। यानी कि 36 में क्या लगाएंगे आप लोग? डी। ठीक है, फिर आपका अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? ए नगर हो गए, नदी हो गए। इस तरह के क्वेश्चंस भी आप देखते हैं कई बार पूछ लेता है, तो काफी प्रॉब्लम की है। नगर नदी, अहमदाबाद साबरमती लखनऊ गोमती भुवनेश्वर महानदी ये गलत, उज्जैन छिपरा नदी के। ठीक है, तो 37 में आप क्या लगाएंगे? सी। ठीक है, अगला है, प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस का आयोजन किया जाता है? यानी कि सीधा सा कहने का मतलब है कि आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाते हैं आप लोग? तो ये आपको देखने को मिलेगा 23 जून, 23 जून। ठीक है, 23 जून, यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन, सातवाहन काल में निर्मित मठों एवं स्तूपों में से यह प्रतीत होता है कि सातवाहन कालीन धार्मिक कला बौद्ध धर्म से प्रभावित थी। तो क्या प्रतीत होता है कि सातवाहन कालीन धार्मिक कला बौद्ध धर्म से प्रभावित थी? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? तो आपको मालूम होगा कि 1974 की बात है। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी कि सही कथन आपको चुनना है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पूना में पारित किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय 9 अगस्त 1942 को गांधी जी की गिरफ्तार कर कस्तूरबा गांधी एवं सरोजनी नायडू के साथ आगा खां पैलेस में रखा गया था। सही उत्तर चुनना है, तो केवल इसमें दूसरा कथन सही है। क्या है? दूसरा कथन सही है, बी ऑप्शन सही है आपका, 41 में बी। आगे है आपका, भारत में क्वायर उद्योग के संदर्भ में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये आपको देखने को मिलेगा केरल, दक्षिण भारत का राज्य केरल। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा इजराइल से समृद्ध नहीं है?
तो तुर्की की नहीं है, ठीक है, लेबनान की है, सीरिया की है, जॉर्डन की है, लेकिन तुर्की की नहीं है इसलिए। तो इसमें आपका ए ऑप्शन। पक्के टाइगर रिजर्व या फिर पप्पू टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको याद रखना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, खान अब्दुल गफ्फार खान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यानी कि हमें सही कथन चुनना है इसमें से। लाल कुर्ती आंदोलन का नेतृत्व सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना की थी। तो इसमें आपके दोनों कथन सही है, बिल्कुल दोनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है आपके, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। कोलंबिया की राजधानी क्या है? कोलंबिया की राजधानी क्या है? तो ये आप देखेंगे, बोगोटा, बोगोटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि ईश्वर भी अस्पष्टता को सहन करने लगे तो मैं ऐसे ईश्वर को भी मान्यता नहीं दूंगा, यह कथन किसने कहा था? तो ये बाल गंगाधर तिलक साहब ने कहा था। किसने? बाल गंगाधर तिलक साहब ने। तेल के संदर्भ में प्रयोग होने वाला शब्द बैरल कितने लीटर के बराबर होता है? तो 159 लीटर के बराबर। आप लोग जब भी कच्चे तेल की बात चलती होगी तो बैरल की बात की जाती है, इतने डॉलर बैरल हो चुका है, इतने डॉलर बैरल, ठीक है। तो एक बैरल में कितने के लीटर होता है एक तरह से? तो इसमें आपको याद रखना चाहिए, 159 लीटर का एक बैरल होता है। भारत का पहला तेल शोधक कारखाना निम्न में से कौन सा है? तो ये आपको याद रखना चाहिए, डिगबोई रिफाइनरी, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा कोरोना वायरस से निपटने हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? विश्व आर्थिक मंच की सहायता से, ठीक है, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाल ही में कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर क्या रखा गया है? आप लोगों ने जब करंट पढ़ा होगा तो हम लोगों ने बात भी की थी इस पर, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, ठीक है। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे पहला मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह विनोद शुक्ला को। किसे? विनोद शुक्ला को। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय केला सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये तिरुचिरापल्ली में, तिरुचिरापल्ली में। इसमें क्या होगा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश। अगला है क्वेश्चन हमारा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में अवस्थित है? तो मुझे लगता है ये तो मालूम होना चाहिए, गुजरात में, ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? बिपिन रावत साहब को, बिपिन रावत साहब को, ठीक है। तो इसमें 56 में आपका ए। आगे है आपका, हाल ही में दमन एवं द्वीप को किस केंद्र शासित प्रदेश के साथ विलय करने का निर्णय लिया है? तो ये है आपका दादरा, दादर एवं नागर हवेली। याद रखिए, इसीलिए आपके 28 केंद्र, 28 राज्य बचे हुए हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश बचे हुए हैं, ठीक है। तो अभी करंट में आगे बढ़ते रहेंगे, घटते रहेंगे, कोई मतलब नहीं है। निम्नलिखित में से किस एक को हाल में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्यकारी निदेशक बनने का अवसर प्राप्त हुआ है? यह है आपके सुरजीत भल्ला, ठीक है, सुरजीत भल्ला वो। राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाली भारतीय महिला पैरा एथलीट निम्न में से कौन सी हैं? तो आपको मालूम होगा कि दीपा मलिक साहब। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? यह आपका 21 मार्च को। कब? 21 मार्च को। भारत सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के तहत स्वायत्त शोध संस्थान नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र अवस्थित है? बेंगलोर में, बंगलुरु में, ठीक है। क्रिप्टो जैकिंग क्या है? ये एक प्रकार का साइबर हमला है, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका सही है। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत की शुरुआत निम्न में से किस राज्य में हुई थी? तो आपको मालूम होगा कि रांची, झारखंड से। आगे आपका, निकोबार द्वीप समूह स्थित रॉस द्वीप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नया नाम दिया गया?
सुभाष चंद्र बोस द्वीप, ठीक है। रॉस द्वीप को आप किस नाम से जानते हैं? सुभाष चंद्र बोस द्वीप। आगे है आपका, भारत के संविधान में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति का कहां उल्लेख किया गया है? राज्य की नीति निदेशक तथ्यों में, ठीक है। 65 में क्या लगाएंगे? बी ऑप्शन। आगे है, वस्तु एवं सेवा कर क्या है? गंतव्य आधारित अप्रत्यक्ष कर। देखिए इसमें जीएसटी में आपका इनडायरेक्ट टैक्स सम्मिलित किए गए हैं, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स नहीं। तो एक तरह से इनडायरेक्ट टैक्सों को खत्म करके अब आया है, ठीक है, सभी इसके अंदर आ चुके हैं। तो इसमें क्या लगाएंगे? बी। निम्नलिखित में से कौन सी ये गैर संवैधानिक संस्था है? तो इसमें आपकी नीति आयोग है। क्या है? नीति आयोग। इसमें संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, ठीक है। आगे है आपका, मानव विकास प्रतिवेदन निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। तो राजा चेलेया समिति का संबंध निम्नलिखित में से किस से है? राजा चेलेया समिति का, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि कर सुधारों से, कर सुधारों से। बैंकों के विलय के पश्चात भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? ये आपका है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? ए हैदराबाद में देखने को मिलेगा। कहाँ? हैदराबाद में, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। आगे है, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किस अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा तैयार की जाती है? तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पादन में योगदान के संदर्भ में सर्वाधिक योगदान देने वाला क्षेत्र है? तो आप जानते हैं सेवा क्षेत्र का, सर्विस सेक्टर का इसमें योगदान है बहुत। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? कितना सरल क्वेश्चन पूछ रहा है, गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी द्वारा निम्नलिखित में से कौन से करों को प्रतिस्थापित कर दिया गया है? सेवा कर, निगम कर, बिक्री कर, आयकर, संपत्ति कर। माफ करिए, इसमें सेवा कर शामिल है और बिक्री कर है, ठीक है, इन दोनों को सम्मिलित किया गया है, यानी कि आपका डी ऑप्शन होगा, ठीक है। आगे है आपका, भारत में योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? योजना आयोग की, अब तो आप समझ रहे हैं कि इसे खत्म कर दिया गया है, गुलजारी लाल नंदा थे पहले, ठीक है। निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी? ये था ब्रेटन वुड सम्मेलन, ठीक है। अगला है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की, तो आप जानते हैं गेट को प्रतिस्थापित करके एक तरह से बनाया गया है, जनवरी 1995 में। पर आप देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सिंधु घाटी सभ्यता, इस सभ्यता में चावल के उत्पादन के साक्ष्य लोथल एवं रंगपुर से मिले हैं। इस सभ्यता में गन्ना के उत्पादन का साक्ष्य बनावली से मिला है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। क्या करना है? सही उत्तर चुनना है, तो केवल एक सही है इसमें, क्या है? केवल एक सही है। इस सभ्यता में चावल के उत्पादन के साक्ष्य आपको लोथल एवं रंगपुर से मिले हुए हैं, ठीक है, एक ऑप्शन, यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित हो गया था? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित हो गया? तो ये आपको मालूम होगा कि भारत सरकार अधिनियम 1858, ठीक है, 81 में आप क्या लगाएंगे? सी। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वैदिक ग्रंथ है, इसकी रचना महर्षि कृष्ण द्वापर द्वारा की गई थी, इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। तो ये तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें दोनों आपके कथन बिल्कुल सही है।
क्या है, दोनों सही हैं। ठीक है, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वर्धमान महावीर जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर थे, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, जैन धर्म की संथारा प्रथा एक धार्मिक संकल्प है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति स्वेच्छा से शरीर का त्याग करता है। इसमें सही आपको कथन चुनना है। तो केवल दो और तीन सही है, लेकिन पहला कथन आपका गलत है। ठीक है, आप जानते हैं कि 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख दिया था, रख लिया था? तो ये आपको देखने को मिलेगा ऑल इंडिया होम रूल लीग ने। ठीक है, 84 में क्या लगाएंगे आप लोग? ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के संविधानिक सलाहकार थे? तो ये थे बी एन राव साहब। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार बन चुका है, बी एन राव साहब। सारनाथ में महात्मा बौद्ध के प्रथम प्रवचन को कहा जाता है? तो आपको मालूम होगा कि धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से पृथक कर दिया गया? तो ये था 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है, क्या था? 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा। इसमें 87 में क्या लगाएंगे आप लोग? डी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? क्या पूछ रहा है? सही सम्मिलित नहीं है, खिरगीज, मध्य एशिया, बुशमैन, कालाहारी, इनू, आइनू, इंडोनेशिया। गलत है, बद्दू या बद्रू, ए अरब। तो इसमें आप लगाएंगे सी ऑप्शन। क्या? सी आपका सही सम्मिलित नहीं है, बाकी ए बी डी आपका बिल्कुल सही सम्मिलित है, क्योंकि इसमें सही सम्मिलित नहीं है पूछा है, तो सी ऑप्शन है आपका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, यानी कि आपको गलत बताना है कि गलत कौन सा है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, बिल्कुल सही है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है, हीराकुंड बांध स्वर्णरेखा नदी पर नहीं है। तो इसमें क्या लगाएंगे आप लोग? डी ऑप्शन। फिर आपका वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या पूछ रहा है? सही नहीं है, गरीब जनसंख्या के लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना, कमजोर वर्ग की संभावित समृद्धि हेतु द्वार खोलना, ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना और बैंकिंग अधोसंरचना का संकुचन करना। माफ करिएगा, डी ऑप्शन इसमें गलत है, यानी कि डी इसमें आप लगाएंगे और ए बी सी इसमें बिल्कुल सही है, लेकिन पूछा क्या है? सही नहीं है, तो डी है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, योजनाओं के संबंध में कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2014 से शुरू किया गया था, कार्यान्वित। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में शुरू की गई थी, इनके बारे में सही आपको बताना है। तो इसमें आप देखेंगे केवल दूसरा सही है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में शुरू की गई थी। ठीक है, आगे चलते हम लोग। निम्नलिखित में से को समावेशी विकास कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया जाता है? सीमांत कृषक, भूमिहीन कृषि श्रमिक और अनुसूचित जाति जनजाति, अर्धशहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग, शहरी रेडी पटरी वाले लोग। तो इसमें आपके उपयुक्त सभी हैं, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 2005-06 में प्रारंभ भारत निर्माण योजना का अंग नहीं है? तो याद रखिए, इसमें ग्रामीण सड़क है, ग्रामीण आवास है, ग्रामीण स्वच्छता नहीं है, पेयजल भी है इसमें। तो इसमें क्या लगाएंगे? सी। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश में कहां अवस्थित है? तो आपको मालूम होगी कि खतौली में स्थित है। कहां? खतौली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूची एक सूची दो को सम्मिलित करना है, संस्थान हो गए और अनुच्छेद हो गए जिनसे संबंधित है। तो इसमें क्या लगाएंगे? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 इससे संबंधित है, इसका उल्लेख है।
वित्तायु, वित्त आयोग। तो आपको मालूम होगा कि 280 इससे संबंधित है। संघ लोक सेवा आयोग, ये तो मुझे लगता है मालूम होगा, अनुच्छेद 315। प्रशासनिक अधिकरण, अनुच्छेद 323 काम है। ठीक है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या है? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, आर्टिकल 148। वित्त आयोग 280 और संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315। प्रशासनिक अधिकरण 323 का। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूल ढांचे की संकल्पना का प्रस्ताव को प्रतिपादित किया गया था? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद में आपने देखा है केशवानंद भारती की कुछ समय पहले मौत हुई है, तो इसलिए ये क्वेश्चंस बन गया है। ठीक है, तो इस तरह के अगर कोई चर्चा में रहते हैं तो उनके बारे में जरूर याद रखिएगा, करिएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये आपका अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 249 है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है? तो ये आपका कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तातीपाका तेल शोधन शाला निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? ये आपको मालूम होगा कि आंध्र प्रदेश में है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, विद्युत उपकरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? डायनेमो एक युक्ति है जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। बिल्कुल सही है, विद्युत मोटर द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ये आपका गलत है, तो इसमें आपका केवल एक कथन सही है, दूसरा गलत है कथन। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है या गैसें हैं? तो इसमें आप देखेंगे CO2 है, CH4 है, NO2 है। ठीक है, लेकिन O2 नहीं है, तो इसमें आपका 1 2 3 बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? 1 2 3, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ल्यूकेमिया में किसकी किसकी अवधारणा, माफ करिए, असाधारण रूप से बढ़ोतरी होती है? तो इसमें आप देखेंगे श्वेत रक्त यानी कि WBC कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी होती है। ठीक है, एक तरह का कैंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है? भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ये था लोथल। कौन सा? लोथल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड का मुख्य कर्ताधर्ता था? तो ये आपको मालूम होगा कि राम प्रसाद बिस्मिल साहब। जैन धर्म में आगम से क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, अर्थ है आगम, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जैन साहित्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको सही कथन इसमें चुनना है। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी जबकि वैदिक सभ्यता प्रमुखता ग्रामीण थी। वैदिक समाज का आधार परिवार था, यहाँ परिवार पितृसत्तात्मक होता था। तो इसमें आपके दोनों कथन बिल्कुल सही है, एक भी सही है और दूसरा भी सही है, यानी कि सी ऑप्शन आप बिल्कुल सही लगाएंगे। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आप सभी को मालूम होगा कि दादा भाई नौरोजी साहब, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि निम्न में से किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो ये मालूम होना चाहिए कि होम रूल आंदोलन के दौरान। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, यानी कि सही सम्मिलित नहीं है? अधिवास द्वारा नागरिकता अनुच्छेद 5 संबंधित है से, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता अनुच्छेद 8 से संबंधित है। नागरिकता की समाप्ति अनुच्छेद 10 इससे संबंधित नहीं है, तो इसमें आपका सी होगा। पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले लोगों की नागरिकता अनुच्छेद 7 इससे संबंधित है, तो इसमें आप लोग क्या देखेंगे, सी ऑप्शन लगाएंगे, क्योंकि क्या पूछा है, सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, चलते हैं आगे चलते हैं। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संविधान सभा के बारे में पूछ रहा है। संविधान निर्माती प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब थे। संविधान सभा ने राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में तदर्थ
राष्ट्रीय झंडा समिति का गठन किया था? इसमें आपके दोनों सही हैं। क्या है, दोनों कथन आपके बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? इसमें आप देखेंगे पांचवी पांचवी अनुसूची में, ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 में निम्नलिखित में से कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ठीक है, केवल एक, तीन, चार, ठीक है, ये कई बार क्वेश्चंस पूछे भी जा चुके हैं। तो समाजवादी यानी ये समाजवाद भी कह सकते हैं, पंथनिरपेक्षता और अखंडता, ठीक है, इन तीन शब्दों को जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, इसे आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। फिर आपने देखा होगा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्म निरपेक्ष राज्य के रूप में प्रतिस्थापित करता है? तो ये संविधान की प्रस्तावना, ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? धर्म की स्वतंत्रता से, ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान द्वारा गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है, को भी उपलब्ध है गैर नागरिकों को भी? तो ये आपको देखने को मिलेगा संविधानिक उपचारों की स्वतंत्रता, ये सभी को मिली हुई है। डी ऑप्शन होगा आपका। आगे चलते हैं हम लोग, भारत के कल्याणकारी राज्य होने की संकल्पना परिलक्षित होती है संविधान की प्रस्तावना में मौलिक अधिकारों द्वारा और राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में किसमें होती है? तो इसमें आपका ए और सी होगा, संविधान की प्रस्तावना में और राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में, यानी कि डी ऑप्शन लगाएंगे आप लोग, ए और सी दोनों में। अगला क्वेश्चन है, यह कथन राज्य प्रत्येक स्त्री एवं पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा यह उपबंध किया गया है, कहाँ किया गया है? ये आपका अनुच्छेद 39 में, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? क्या नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? राज्य देश के पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन प्रयास करेगा, यह नीति निर्देशक तत्वों में आपको देखने को मिलेगा। राज्य समान नागरिक संहिता का प्रावधान करेगा, यह भी शामिल है। स्त्रियों की प्रसूति सहायता के लिए वो बंद करेगा, ये भी सही है। राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से मना नहीं करेगा, डी आपका बिल्कुल गलत है। 120 में क्या होगा, डी एबीसी आपका बिल्कुल सही है, इसमें सम्मिलित है, पूछ रहा है सही सिद्धांत नहीं है तो डी ऑप्शन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहली लोकसभा में विपक्ष सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी दल कम्युनिस्ट पार्टी थी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई। लोकसभा में यदि किसी दल का के न्यूनतम 75 सदस्य ना हो तो उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती है। तो इसमें आप देखेंगे केवल दूसरा सही है, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई है। देखिए लोकसभा में 10% सीटें जिसकी रहती है उसे विपक्ष का मतलब आप सोचिए नेता प्रतिपक्ष के रूप में चुन लिया जाता है, लेकिन आप देख रहे हैं 16वीं 17 भी लोकसभा में इतनी सीटें नहीं मिली हैं, तो कोई भी विपक्ष का नेता भी नहीं है, ठीक है। भारतीय संसद की किसके और किनके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों पर नियंत्रण रखती है? तो स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल, अनुपूरक प्रश्न, ये आपको तीनों सम्मिलित हैं, यानी कि डी ऑप्शन होगा आपका, क्या होगा, डी। निम्नलिखित में से कौन सी समितियां सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण के अंग के रूप में कार्य करती हैं? लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसमें आपका एक दो तीन होगा, क्या होगा, एक दो तीन आपका बिल्कुल सही होगा। किसी भी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह किसी प्रासंगिक मामले को रोकता है या सदन में तथ्यों को गलत ढंग से रखता है, ठीक है, इसमें आपका सी होगा, क्या होगा, सी। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्तर पर लोकसभा में किसी विधेयक पर सामान्य चर्चा होती है? तो विधेयक के द्वितीय वाचन में, ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिल्कुल सही है? भारत के संविधान के भाग 4 में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। भारत के संविधान में किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है,
इसमें आप देखेंगे ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। आप जानते हैं भाग चार का में आपका शामिल है मूल कर्तव्य, ठीक है, डी ऑप्शन आपका होगा इसमें, ना तो एक सही है ना ही दो। आगे चलते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो आपको मालूम होगा कि प्राकलन समिति सबसे बड़ी है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 के तहत किस आयु वर्ग के बच्चों की देखभाल और शिक्षा का कर्तव्य राज्य पर डाला गया है? ये आप देखेंगे इसमें 6 वर्ष से कम, ठीक है, 6 वर्ष से कम। और आपको याद रखना है 86वें संविधान संशोधन द्वारा आपका मौलिक कर्तव्यों में जोड़ दिया गया 21 का को, ठीक है, अनुच्छेद 21 का में आपका मौलिक अधिकार बन चुका है शिक्षा का। निम्नलिखित भारतीय वैज्ञानिकों में से कौन से एक नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक नहीं है? तो आपको मालूम होगा कि हरगोविंद खुराना है, होमी जे भाभा नहीं है, डॉक्टर एस चंद्रशेखर है और वेंकट रमन रामाकृष्ण है। तो इसमें आप बी लगाएंगे, वैज्ञानिक नहीं है, तो आपके बी आप देखते होंगे होमी जे भाभा को भारतीय वैज्ञानिक नहीं है, मतलब इन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है, ठीक है। हरगोविंद खुराना को मिला था, डॉक्टर एस चंद्रशेखर को मिला था और वेंकट रमन को मिला था, तो इसमें क्या लगाएंगे, बी, ठीक है। अगला है रडार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? रडार का जनक रॉबर्ट वाटसन वाट को माना जाता है। रडार द्वारा रेडियो तरंगों की सहायता से आकाशगामी वायुयान की स्थिति एवं दूरी पता का पता लगाया जाता है। तो इसमें आप देखेंगे दोनों सही है आपके, क्या है, दोनों कथन बिल्कुल सही है आपके, दोनों कथन कैसे हैं, बिल्कुल सही है। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन क्या है, कुछ लोगों को ऊंचाई से डर लगता है, कुछ लोगों को ऊंचाई से डर लगता है, वे ऊंचाई पर जाने से घबराने लगते हैं, ऐसी स्थिति में वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया कहा जाता है इसे। पर आप देखेंगे ट्रैप पिस्ट फर्स्ट नामक शब्दावली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये आपको देखेंगे सौर प्रणाली से संबंधित है, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन सही है किसके, कोशिका के संदर्भ में, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था, तो इसमें आपके दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है अगला, मेंडल की अनुवांशिकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह नियम एक संक्रिय क्रॉस पर आधारित है, यह नियम द्वि संक्रिय क्रॉस पर आधारित है, तो इसमें आप देखेंगे एक और दो दोनों आपके बिल्कुल कथन सही है, ए और दो दोनों सही है। पर आप देखेंगे सुजन की के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सुजन की के पिता सर फ्रांसिस गैल्टन को कहा जाता है। सुजन की का उद्देश्य भारत उद्देश्य मानव जाति के अनुवांशिक लक्षणों में पीढ़ी दर पीढ़ी सुधार करना है, इसमें निम्न कोटि के लक्षणों की वंशा गति को रोकने का प्रयास होता है, नीचे दिए गए कोट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है, तो आपका सी ऑप्शन सही होगा, एक और दो दोनों सही है आपके, क्या होगा, सी ऑप्शन आपके दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन है गुप्तकाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गुप्तकाल के संदर्भ में पूछ रहा है, प्राचीन भारत में सती प्रथा का प्रथम उल्लेख गुप्तकाल में मिलता है, भगवत गीता की रचना गुप्तकाल में हुई, अजंता की गुफाओं के चित्र गुप्तकाल की चित्रकला के सर्वोत्तम उदाहरण है, तो इसमें आपके तीनों कथन बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन आप बिल्कुल सही लगाएंगे। संगम काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसके, संगम काल की बात कर रहा है। संगम युग के राजवंशों में चोल सबसे अधिक शक्तिशाली थे, संगम साहित्य की भाषा तमिल थी, तृतीय संगम का आयोजन मदुरा में हुआ था, मदुरा या मदुरा। संगम काल में मनोरम नाम की संस्था होती थी जो गांवों से संबंधित समस्याओं का पर विचार करती थी, इनमें सही आपको कथन चुनना है, तो एक दो तीन आपका सही होगा, एक दो तीन सही होगा, चौथा आपका गलत होगा, तो इसमें क्या लगाएंगे, ए ऑप्शन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से विधेयक संबंधित नहीं है? लक्ष्मी मल सिंधवी समिति, ये आप जानते हैं पंचायत से संबंधित थी, जीबी के राव समिति, ये भी आपकी शामिल थी, राजमन्ना समिति नहीं थी, इससे सादिक अली समिति भी संबंधित थी, तो सी ऑप्शन आपका होगा इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत की महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, और लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, लोकसभा में बोल सकता है, अपनी बात रख सकता है, लोकसभा के मतदान में भाग ले सकता है, तो
इसमें एक दो तीन आपका सही होगा, लेकिन याद रखिए चार कथन आपका बिल्कुल गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि आप देखते हैं कि ये लोकसभा का सदस्य नहीं होता है, और आप जानते हैं कि लोकसभा का सदस्य नहीं होगा तो मतदान कहां से करेगा, वोट कहां से करेगा। ठीक है, तो इसमें आप सी ऑप्शन लगाएंगे। कोशिका विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अर्धसूत्री कोशिकाओं के विभाजन की खोज सर्वप्रथम वीजमैन द्वारा की गई। इस अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का मेयोसिस नामकरण फार्मर एवं मूरे ने किया था। तो इसमें आपके दोनों कथन बिल्कुल सही है। क्या है? एक और दो दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये राजवंश हो गया, इनकी राजधानी हो गई। तो पल्लव कांची इसकी राजधानी थी, पांडव इनकी मदुरे, यादव ये गलत है आपका, काकतीय वारंगल। तो क्या लगाएंगे आप लोग? सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन लगाएंगे इसमें। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो आपको मालूम होगा कि इसमें जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। पौड़जोल क्या है? पौड़जोल क्या है? तो ये आपकी कौड़धारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर आपको चुनना है। तो इसमें आप देखेंगे दिल्ली घोषणा पत्र, दांडी मार्च, गांधी इरविन समझौता, पूना समझौता। इसमें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा की बात कर रहा हूं, तो ये आपको वेना में देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व में तबाही मचाने वाला कोरोना वायरस की उत्पत्ति की निम्नलिखित में से किस शहर में हुई है? तो देखिए आप, बहुत सरल क्वेश्चन है, वुहान में। भरहूत स्तूप संबंधित है, ये आपका सुंग वंश से है। किससे? सुंग वंश से। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किससे संबोधित करता है? तो ये आप देखेंगे राष्ट्रपति साहब को। ठीक है, प्रेसिडेंट साहब को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संधियों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है। मद्रास की संधि, उसके बाद देखेंगे सलवाई की संधि, उसके बाद मंगलोर की संधि और श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो इसमें क्या लगाएंगे? बी ऑप्शन। ठीक है, पश्चिमी हिमालय में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला वृक्ष कौन सा है? तो ये आपका देवदार वृक्ष है। तो इसी के साथ इनका राम गणेश सत्य होता है, राम नाम सत्य होता है, जो भी आप कहना है। और पांच ही आपके टेस्ट थे। ठीक है, और इसमें याद रखिए वही क्वेश्चन शामिल किए गए, मुझे लगता है कि जो आपके परीक्षा के लिए मतलब एक तरह से महत्वपूर्ण है। ठीक है,